तो चलिए हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं चैन सर्वेइंग में। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। यहाँ बुक में दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चैनिंग। एक्चुअली चैन सर्वेइंग में चैनिंग एक प्रोसेस है, तो मेनली चैनिंग में ही यूज करते हैं हम ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, और ये जो मैंने दो पेन से मेंशन किया हुआ है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों राइट एंगल मापने के लिए यूज करते हैं। तो चैनिंग में इसका यूज होता नहीं है, ये ऑफसेटिंग में यूज होता है। ये दोनों प्रोसेस है चैनिंग और ऑफसेटिंग चैन सर्वेइंग का। तो चैन सर्वेइंग में ही अल्टीमेटली सारे यूज कर सकते हैं, तो सब लिख सकते हैं कि चैन सर्वेइंग में यूज होता है। बट चैनिंग में इतने ये छह इंस्ट्रूमेंट होते हैं यूज, और ऑफसेटिंग में ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके आते हैं कि क्या क्या है। पहला इंस्ट्रूमेंट है चैन, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट चैन सर्वेइंग का, जिसके आधार पर चैन सर्वेइंग का नाम रखा गया है। तो ये चैन है, देख सकते हैं आप फिगर में। इसमें चैन में क्या होता है कि लिंक्स बने होते हैं, स्टील के लिंक्स होते हैं, जिसका डायमीटर 4 मिलीमीटर है, मेंशन किया गया है। 4 मिलीमीटर डायमीटर के लिंक्स बने होते हैं, और ये बना किससे होता है, गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील से। तो स्टील के लिंक्स बने होते हैं, एक दूसरे लिंक से जुड़ा हुआ रहता है। ये सारे लिंक्स हैं, देखिए एक लिंक यहाँ पे एक है और ये फिर दूसरे लिंक से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये लिंक है और ये जुड़ा हुआ रहता है, इसको मैट्रिक्स चेन बोलते हैं। और लास्ट में दोनों साइड में हैंडल होता है, दूसरे साइड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, पूरा चैन नहीं दिखाया गया है, एक साइड दिखाया गया है, हैंडल होता है और उसके बाद ये लिंक्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। चाहे वो कितना बड़ा भी चैन हो तो वो लिंक्स में जुड़ा हुआ रहता है। अब देखते हैं चैन के फिक्स नंबर, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज कम्पोज ऑफ ए फिक्स नंबर ऑफ पीसेस ऑफ गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर 4 मिलीमीटर इन डायमीटर, नोन एज लिंक। लिंक से जुड़ा हुआ रहता है। द एंड ऑफ ईच लिंक आर बेंट इन टू अ लूप एंड कनेक्टेड टूगेदर बाय मीन्स ऑफ 3 ओवल और सर्कुलर रिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सर्कुलर रिंग बना हुआ है लास्ट में, और वो उससे वो जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरा लिंक जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी तरह का चैन होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ चैन। तो चैन के टाइप, दो मेन चैन के टाइप होते हैं, मैट्रिक सर्वेइंग चैन और नॉन मैट्रिक सर्वेइंग चैन। जो हम इंडिया में यूज करते हैं इंजीनियरिंग सर्वे के लिए, वो दो तरह के प्रेस्क्राइब्ड है, 20 मीटर और 30 मीटर। 20 मीटर मैट्रिक चेन हम यूज करते हैं इंडिया में, ज्यादातर नॉन मैट्रिक चेन नहीं यूज होता है इंडिया में मैट्रिक चेन यूज करते हैं। और मैट्रिक चेन में भी दो तरह के हैं, कई तरह के 5 मीटर में भी आते हैं, बट हम जो यूज करते हैं और प्रेस्क्राइब्ड है गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, तो वो क्या है, 20 मीटर और 30 मीटर का। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक सर्वेइंग चेन क्या है और 20 मीटर और 30 मीटर में क्या फर्क है। पहले लाइन में लिखा हुआ था, मैट्रिक सर्वेइंग चेन इज 20 और 30 मीटर इन लेंथ, ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 5 लिंक्स। 5 लिंक्स, एक मीटर में 5 लिंक होते हैं, और एक लिंक का जो लेंथ होता है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो इसका मतलब है कि एक मीटर का लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो टोटल जो 20 मीटर का चेन है, और एक मीटर में कितने लिंक होते हैं, 5 लिंक होते हैं, तो टोटल 20 मीटर चैन में कितने लिंक हो गए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके छोटे से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि प्लीज टेल मी द टोटल लिंक इन 20 मीटर चैन और 30 मीटर चैन, आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन बन जाते हैं। और कई बार न्यूमेरिकल आगे करोगे तो वहां पे चैन का लेंथ जो है वो लिंक में मेंशन कर देंगे, आपको ये नहीं बताएंगे कि 20 मीटर का चैन है या 30 मीटर का, आपको मेंशन कर देंगे कि लिंक है, ये इतना लिंक का चैन है। तो आपको समझ जाना होगा कि ये 20 मीटर का, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक मीटर में 5 लिंक हैं, एक मीटर में 5 लिंक हैं, एल से डिनोट करता हूँ। तो 20 मीटर में कितने लिंक हो जाएंगे, 5 × 20 मतलब 100 लिंक। ठीक है, और ऐसे ही 30 मीटर चैन में 150 लिंक, ये फिक्स है। आपको यहां पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में लिंक में भी रह सकता है।
एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा रफ करके फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या मैंने बताया कि दो तरह के चेन होते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर के। 1 मीटर में 5 लिंक होते हैं और इसका मतलब है कि 20 मीटर में 100 लिंक होंगे और 30 मीटर में कितना लिंक हो जाएंगे, 150 लिंक हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में 5 लिंक होंगे, 20 मीटर में टोटल 100 लिंक हो जाएंगे, 30 मीटर में टोटल 150 लिंक हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं कि हर मीटर पे और हर 5 मीटर पे कुछ ना कुछ मेंशन किया रहता है, जो जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टैली बना हुआ है। अगले में मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ तो वहां पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है मीटर चेन का और मीटर चेन में ही 20 मीटर चेन का और 30 मीटर चेन का। ये देखिए दोनों चेन के साइड में दो हैंडल बने होते हैं, ये लिंक से सारे कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो 5 मीटर पे या 50 मीटर पे एक इस तरह का टैली बनता है, इसको टैली बोलते हैं। ये छोटे छोटे टैली बने होते हैं, 5 5 मीटर पे टैली बने होते हैं। देखे ये 5 मीटर का टैली का, और जो 5 मीटर और 15 मीटर पे जो टैली होता है वो एक तरह का होता है। इसका फिगर और इसके फिगर में थोड़ा सा फर्क है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 5 मीटर पे इस तरह का टैली बनता है और 15 मीटर पे, मतलब इस साइड से अगर इससे काउंट करें तो ये 5 मीटर पे है और इस तरफ से भी काउंट करें तो ये भी 5 मीटर पे है, तो इसलिए 5 मीटर और 15 मीटर पे एक जैसा बनता है। तो आप अगर इधर से भी काउंट करो तो ये 5 मीटर पे है और इधर से भी काउंट करो तो ये 5 मीटर पे है। ठीक है, और दोनों का बीच का जो है वो 15 मीटर पे बनता है, उसका कुछ बनने का उसका डिजाइन कुछ अलग होता है, जिससे आपको पता है कि 15 मीटर, सॉरी मैं बोल दिया, 10 मीटर पे है मिडल ऑफ द चेन। 20 मीटर का ये जो चेन है ये 20 मीटर का चेन है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो 10 मीटर पे कुछ इस तरह का बनेगा जो कि आपको पता चल जाएगा कि 10 मीटर का है, ये मिडिल ऑफ द चेन रहेगा, इसका डिजाइन कुछ इस तरह का। ये तीनों इसको टैली बोलते हैं, और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया 5 मीटर पे ये है, फिर 5 मीटर पे ये इतना, फिर 5 मीटर पे 5 5 मीटर, टोटल 20 मीटर। और एक चीज और रहता है, सर्कुलर जो एक ब्रास का रिंग बना होता है जो हर मीटर लेंथ पे होता है, ये गोल सा यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मतलब एकदम छोटा सा रिंग होगा इस टाइप का, तो ये क्या होगा कि हर मीटर मीटर पे होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। ठीक है, और 5 मीटर पे जैसे ही आएगा तो 5 मीटर पे एक टैली बना होगा, फिर 10 मीटर पे इस तरह का एक टैली बना होगा, एक ही टैली होगा 20 मीटर के चेन में 10 मीटर पे, और जब 30 मीटर पे आएंगे तो देखेंगे कि दो टैली है 10 10 मीटर पे भी। और ये जो रिंग है ये हर मीटर पे है, और ये टैली और रिंग जो आपको बताएगा कि ये 1 1 मीटर है या 5 5 मीटर है या 10 मीटर है, क्योंकि वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा कि 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, जैसे हम टेप में देखते हैं या अपने स्केल में देखते हैं कि वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है कि ये 1 मीटर का है, 2 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मेंशन है। तो यहाँ पे आपको टैली और रिंग से पता लगाना होगा कि 1 मीटर ये लेंथ हो गया, या 2 मीटर लेंथ हो गया, या 10 मीटर लेंथ हो गया। ठीक है, तो हम आते हैं हम 30 मीटर वाले चेन में। यहाँ पे भी देखो तो 5 मीटर पे एक टैली है, और इस साइड से भी जब हम 5 मीटर पे आते हैं तो एक्चुअल अगर इधर से काउंट करते हैं तो ये 25 मीटर हो जाता है। टोटल लेंथ 30 मीटर का है, पहले 5 मीटर पे एक टैली है जैसे यहाँ पे था, दोनों 5 मीटर पे चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो वो 5 5 मीटर का है। इसमें भी सेम है, इधर से भी 5 मीटर है, इधर से भी 5 मीटर है, और एक ही डायरेक्शन में अगर हम मापे तो ये 5 मीटर पे है, फिर ये 25 मीटर पे मिलेगा। यहाँ पे 5 मीटर पे था और फिर 15 मीटर पे था, एक जैसा टैली। फिर उसके बाद जैसा यहाँ 10 मीटर पे एक ही टैली था, यहाँ पे 10 मीटर और 20 मीटर पे एक जैसा टैली है, मतलब इधर से आप जाओ तो 10 मीटर, इधर से भी जाओ तो ये 10 मीटर पे है, लेकिन अगर एक डायरेक्शन में हम जाते हैं तो ये 10 मीटर और 20 मीटर पे, तो ये एक तरह का टैली है। और फिर मिडिल ऑफ द चेन एक और टैली है 15 मीटर पे, इसका कुछ डिजाइन अलग है,
तो ये तीनों आप डिजाइन से आप पता कर सकते हो कि पहले 5 मीटर पर एक है, सेकंड पे मतलब फिर 10 मीटर और 20 मीटर पर एक जैसा है, फिर 15 मीटर पर एक जैसा है। और जो मैंने छोटे से रिंग ब्रास रिंग के बारे में बात किया था, वो ब्रास रिंग फिर हर ये पे रहेगा, हर मीटर पे रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ गया है ब्रास रिंग एट एवरी मीटर लेंथ। तो ये मेन चेन का डिजाइन है, बाकी आप लैब्स में अच्छी तरह से देख सकते हो, जब प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो दो तरह के चेन है, 20 मीटर चेन और 30 मीटर चेन, जो हम यूज करते हैं, और ये लिंक्स में कनेक्टेड होता है, बीच बीच में टैलीज होता है, इसको टैली बोलते हैं, इंडिकेट करने के लिए कि 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर, इसको इंडिकेट करने के लिए टैली लगे होते हैं, हर मीटर पे एक रिंग लगा होता है। इन सबको आपको मेंशन करना है जब आपको ये पूछा जाएगा कि चेन क्या है, चेन में क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। ट्वेंटी मीटर थर्टी मीटर के चैन के अलावा एक स्टील बैंड होता है, जो हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, कहीं कहीं पे आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एक चेन के तरह होता है, 20 मीटर और 30 मीटर लेंथ का। तो इस तरह से बैंड मतलब एक जैसा बना होता है, हम माप सकते हैं, लेकिन इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। बाकी इसके बाद आते हैं नन मैट्रिक चेन में, जहां पे हमने मीटर का यूज किया था। इंडिया में मोस्टली जो भी मेजरमेंट होते हैं मीटर में करते हैं हम लोग, तो वहां पे 20 मीटर और 30 मीटर के चेन में यूज करते हैं। अब कुछ कंट्रीज जो है वहां पे मीटर का यूज कम करके फीट में यूज करते हैं, तो उसके उनको हम नन मैट्रिक चेन बोलते हैं, उनमें भी टैली लगा होता है, जैसे इंडिया में वो 10 मीटर और 20 मीटर पे होता है, तो यहाँ पे जैसे 10 मीटर और 90 मीटर पे टैली है, फिर इस तरह का टैली है, फिर इस तरह का, फिर इस तरह का टैली है, 50 मीटर पे यहाँ ऐसा टैली है। तो एक फिट में या फुट में बोल फिट में ये जो नन मैट्रिक चेन है, ये दो तरह के चेन है, गंटर्स चेन और इंजीनियर चेन। बस आपको नॉलेज रहना चाहिए, इनके बारे में हमें नहीं ज्यादा डिस्कस करना है क्योंकि हम ज्यादा यूज नहीं करते। गंटर्स चेन जो होता है इसका 100 लिंक होता है, जैसे हमारे 20 मीटर चेन में 100 लिंक थे, यहाँ पे लिंक का साइज डिफरेंट होगा, लेकिन ये जान लो कि 100 लिंक का होता है गंटर्स चेन, और इसका टोटल लेंथ जो होता है 66 फीट होता है। सेकेंड है इंजीनियर चेन, ये 100 फिट का होता है और इसमें भी 100 लिंक होते हैं। ये दोनों फिट में है, ये 66 गंटर्स चेन जो है 66 का होता है, और ये 100 इंजीनियर चेन 100 फिट का होता है, और लिंक दोनों में बराबर होते हैं, 100 लिंक होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड आता है इंपॉर्टेंट एक एरो। एरो क्या है? तो ये मार्किंग है, मार्किंग पिन है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मार्किंग और चेनिंग पिन। जब हम चेनिंग कर रहे होते हैं तो वो एक चैन जैसे चैन लेंथ खत्म हो गया, तो वहां पे मार्क करने के लिए, उस पॉइंट को मार्क करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। और एक और आता है पैग, पैग हम देखेंगे। एरो और पैग में डिफरेंस है कि एरो जो है वो स्टील का बना होता है, और पैग जो है वो वुड का बना होता है, अंतर यही है, दोनों का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चेनिंग में हमारा यूज होगा एरो, इस तरह का एरो होता है, और इसका जो लेंथ होता है ये 40 सेंटीमीटर का होता है। तो बहुत ज्यादा हम इस पे फोकस नहीं करते हैं, एरो के बारे में जानना है बस। अब आते हैं टेप के ऊपर। टेप भी चेन की तरह है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, इस वजह से हम टेप का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। टेप का यूज हम वहां पे करते हैं, मान लो लॉन्ग चेन लेंथ है तो हम चेन का करेंगे, लॉन्ग मेजरमेंट है तो हम चेन का करेंगे। लेकिन जहां पे शॉर्ट, मान लो छोटा सा एरिया बच रहा है चेन के बाद, 20 मीटर हो रहा है, वहां पे 22 मीटर हमको मेजरमेंट करना है, और हमारे पास चेन जो है वो 20 मीटर का है, तो 2 मीटर जो बच गया, तो उसके लिए फिर हम चेन ना यूज करके वहां पे हम टेप का यूज करेंगे। जहां पे शॉर्ट लेंथ लास्ट में जब बच जाता है तो उसके लिए टेप का, उसमें मेजरमेंट सही आएगा टेप में, क्योंकि हमारे पास जो चेन होता है वो फिक्स लेंथ का होता है, 20 मीटर का, 22.2 मीटर सपोज करो है, तो 2 मीटर भी हम चेन में बता सकते हैं टैली और रिंग के मदद से, लेकिन जो पॉइंट में है
0.2 या 0.5 तो ये हम ठीक से मेजर नहीं कर पाएंगे, फिर एक अप्रोक्स वैल्यू लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास टैप है तो एग्जैक्ट वैल्यू हम बता सकते हैं। टैप भी कई तरह के होते हैं, लिनन टेप, क्लॉथ टेप, मेटलिक टेप, स्टील और इनवर्ट टेप। मोस्टली हम स्टील टेप का यूज करते हैं, मेटलिक टेप जो बोलते हैं, मेटलिक और स्टील टेप का यूज करते हैं, क्लॉथ टेप और इन सब का यूज नहीं करते। बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जानना, बस ये है, इतना ही काफी है। नेक्स्ट आते हैं हम रेंजिंग रॉड पे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमारे पूरे चैन सर्वे में बहुत यूज होगा इसका। रेंजिंग रॉड आर मेड ऑफ लाइट थीन एंड स्ट्रेट बम्बू और ऑफ वेल सीजन्ड वुड सच एज टिक, पाइन एंड देवदर इटीसी। दे आर सॉर्ड विथ आयरन एट द बॉटम एंड प्रिफरेबली सरमाउंटेड विथ अ क्लैड अबाउट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इन साइज ऑफ रेड एंड व्हाइट और येलो एंड व्हाइट बंटिंग। ठीक है, दे आर यूजली 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2 मीटर और 3 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ जो है ये 2 मीटर या 3 मीटर की होती है और इसकी जो डायमीटर है ये 25 सेंटीमीटर की होती है। और इसमें जो बैंड बना होता है ब्लैक और रेड का, या तो ब्लैक रेड का होगा, ब्लैक मतलब व्हाइट और रेड का होगा, या फिर व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ये रेड या ब्लैक दोनों में हो सकता है और यहाँ पे फिक्स है व्हाइट होगा। तो इस तरह से ये बना होता है। ब्लैक और व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, इस तरह से बना होता है। टोटल लेंथ जो है वो 2 से 3 मीटर का होता है। ऊपर एक फ्लैग माउंट होता है इसके ऊपर। ये सेकंड जो है ये ऑफसेट रॉड है, ये वाला रेंजिंग रॉड है। तो यहाँ पे ये फ्लैग ऊपर में होता है और इसके ये जो टोटल लेंथ है ये 2 से 3 मीटर का होता है और इसमें जो कलरिंग किया रहता है व्हाइट रेड, व्हाइट रेड या फिर ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का एक होता है और इसको हम माउंट कर देते हैं इसको मार्किंग करने के लिए। ये इसलिए करते हैं कि हमें दूर से भी दिख सके, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग हमें या तो बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए पॉइंट को, एरोज जो हम यूज करते हैं वो छोटे छोटे मार्किंग, जब चैन यूज करते हैं तो चैन का लेंथ खत्म हो गया तो वहां पे एरो रख दिया, बट ये जो बाउंड्री पॉइंट है, पोजिशन है, तो उन सबको मार्क करने के लिए हम रेंजिंग रॉड का करते हैं। और जनरली ये 2 से 3 मीटर का होता है और कई कई बार बहुत ज्यादा लेंथ होता है तो वहां पे हमें थोड़े बड़े साइज के लेंथ के रेंजिंग रॉड की जरूरत पड़ती है। वहां रेंजिंग रॉड का जो साइज हो जाता है 4 से 6 मीटर के बीच में होता है, तो वहां पे हम उसको रेंजिंग रॉड ना बोल के रेंजिंग पोल भी बोलते हैं कई बार, बट जनरल जो टर्म है वो रेंजिंग रॉड ही हम बोलते हैं हर जगह। इसमें फ्लैग है एक स्क्वायर साइज का जिसका 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, नहीं ये 25 सेंटीमीटर का, हाँ 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है एक फ्लैग, और रेड व्हाइट करके इसमें मेंशन किया रहता है, बैंड बना रहता है, और नीचे जो है वो मेटल सूर आता है ये जमीन के अंदर डालने के लिए, इसलिए वो हो जाए, और ये जो पूरा होता है ये वुडन होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑफसेट रॉड पे। सेम एज इट इज जैसा ये रेंजिंग रॉड है सेम एज इट इज होता है ऑफसेट रॉड। अंतर ये है कि यहाँ पे एक फ्लैग होता है और यहाँ पे एक छोटा सा हुक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक हुक बना हुआ है, बस यही अंतर है ऑफसेट रॉड और रेंजिंग रॉड। ऑफसेट रॉड ऑफसेटिंग जब करेंगे तो थोड़ा सा यूज होगा वहां पे, ऑफसेटिंग में हम राइट एंगल वगैरह मतलब लेते हैं, जहां ये ऑफसेटिंग का यूज मोस्टली तब करते हैं जब ऑब्स्टेकल आ जाता है बीच में। कुछ मैंने बताया हुआ था कि बीच में कुछ आ जाएगा, मान लो स्ट्रेट में करना है तो फिर दिक्कत होगा। हम आगे पढ़ेंगे इनडायरेक्ट सर्वेइंग में, इनडायरेक्ट रेंजिंग करना होता है, फिर ऑफसेटिंग करना होता है, तो इन सब में फिर हम देखेंगे कि वहां पे राइट एंगल लेकर और फिर हम दूसरे तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे यूज होगा ऑफसेटिंग का। फिर लास्ट एक है पेग्स। पेग जो होता है वो टिम्बर का, टिम्बर मतलब वुड का बना होता है, इस तरह का कुछ पेग, यहाँ पे फिगर नहीं बनाया गया है, इस तरह का कुछ पेग बना होता है, मैं ठीक से बना नहीं पा रहा हूँ पेन से, कुछ इस तरह का पेग होता है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में होता है
और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होता है। पिन के तरह इसका काम करेंगे, जब हम मान लो कहीं पे पिन लगा सकते हैं, कहीं पैग लगा सकते हैं। पिन स्टील का होता है, ये जो होता है टिम्बर का मतलब वुड का होता है, वुडन होता है। इसमें एक चीज मेंशन नहीं किया गया है बुक में, जो हम इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट में नाम है प्लम बॉब का। प्लम बॉब भी कुछ इस तरह का होता है जो कि एक थ्रेड से कनेक्टेड होता है। वर्टिकल पॉइंट को हमें परफेक्टली वर्टिकल पॉइंट को हमें शो करने के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं है चेन सर्वेइंग में, लेकिन जहां पे स्लोप पे चेनिंग वगैरह करेंगे तो वहां पे हमारा प्लम बॉब का यूज होता है। आगे प्लम बॉब का बहुत ज्यादा यूज होगा जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, जैसे थोडोलाइट हो गया, लेबलिंग हो गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्लम बॉब का यूज होता है। प्लम बॉब एक थ्रेड से लगा होता है और नीचे एक वेट होता है और यहाँ एक पॉइंटेड, नीचे पॉइंटेड रहता है। तो इसको हम एक मान लो एयर से हमें वर्टिकल पॉइंट मापना है, ये ग्राउंड लेवल है और हमें इस लाइन, इस पॉइंट को इस ग्राउंड पे देना है, तो पूरा वर्टिकली फिर ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता है। तो ये चीज यूज होता है स्लोप वगैरह में, चेन सर्वेइंग में, बाकी आगे बहुत यूज है। आगे बढ़ते हैं, ये सब चेनिंग के हो गए, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब चेनिंग में यूज होगा। चेनिंग भी चेन सर्वे का एक पार्ट है। और अगले जो होता है ऑफसेटिंग में जो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो शुरुआत में मैंने बताया था, वो है ऑप्टिकल स्क्वायर टेप, तो हर जगह यूज हो है। इसके अलावा क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर, इन दोनों का क्या यूज है कि परपेंडिकुलर मापने के लिए। मान लो ऐसे तो मैं एंगल यहाँ पे नहीं मेजरमेंट करना है बिल्कुल भी, लेकिन मान लो कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि हमें यहां से यहां तक जाना है और बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो हम सीधा मेजरमेंट कर नहीं सकते और ना ही हम एंगल मेजरमेंट कर सकते क्योंकि ये कॉम्पास सर्वेइंग नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम परपेंडिकुलर माप सकते हैं, 90 डिग्री पता चल जाएगा। तो यहां से ऐसे करके 90 डिग्री माप लिया, फिर यहां से ऐसे 90 डिग्री माप लिया, फिर यहां से ऐसे 90 डिग्री माप लिया, तो हम 3 बार 90 डिग्री माप के हम अपना काम कर सकते हैं। तो वहां पे बहुत यूज हो जाता है इन सब चीजों का, जहां पे ऑब्स्टेकल वगैरह आ जाता है तो फिर हम 90 डिग्री इनडायरेक्ट रूप से मेजरमेंट कर लेते हैं। हम ये सीधा नाम आपके यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ये हम यूज हो जाता है। और ये दो इंस्ट्रूमेंट है, क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, यहां पे देखते हैं कि क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या है। क्रॉस स्टाफ भी दो तरीके का होता है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, बस जानना है कि आपको ओपन क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच स्टाफ। क्रॉस स्टाफ में भी, ओपन वाले में भी वुडन और मेटल है, ये और ये। इसमें जो है हॉर्स शू है, हॉर्स शू हेयर रहता है, तो ये वाला जो है यहाँ से हम देख पाते हैं कि ये 90 डिग्री पे, मान लो एक डायरेक्शन ये देख लिया तो दूसरा डायरेक्शन इस टाइप से देख लिया, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है तो हमें दिख जाएगा तो ये 90 डिग्री पे है। इस तरह से ये वर्क होता है, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जानना है, बस जानना है कि क्रॉस स्टाफ है क्या। ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, एक साइड मान लो इस तरह से देख लिया तो दूसरे साइड फिर इस टाइप से देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर पे। ऑप्टिकल स्क्वायर में कुछ प्रिज्म वगैरह बना रहता है जिसे हम देखते हैं एक साइड दूसरे साइड को देख के। फिर क्या होता है कि इसमें दो प्रिज्म जो होते हैं बने हुए रहते हैं, तो ये आपको दो, मान लो फ्लैग आप देख रहे हो, रेंजिंग रॉड देख रहे हो दो साइड का, और आपको 90 डिग्री पर दिखाना है। तो एक रेंजिंग रॉड अगर इधर, मतलब एक रेंजिंग रॉड को आप रेफरेंस रेंजिंग रॉड रखो जिसको आप मिडिल में, प्रिज्म के मिडिल में दिख रहा है, तो दूसरा रेंजिंग रॉड जो आपको 90 डिग्री पे रखना है अगर उसके ठीक नीचे आ रहा है, मान लो ये मिडिल पॉइंट पे ऊपर में है ऊपर वाले प्रिज्म में और नीचे वाले प्रिज्म में भी वो ठीक नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट पोजिशन है, दोनों 90 डिग्री पे है। और ये अगर मतलब फिक्स पोजिशन इधर उधर राइट लेफ्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका ऑफसेटिंग, ऑफसेटिंग वगैरह में ये इसका यूज होता है जहां पे 90 डिग्री हमें करना है। तो इतना ही था आपके लिए, ये सब आपको चेनिंग में यूज होता है। मैं फिर से एक बार इसको रिव्यू कर देता हूं जल्दी से।
सबसे पहले हमने देखा चेन, चेन दो तरह के होते हैं, 20 मीटर और 30 मीटर। 20 मीटर में 100 लिंक होते हैं, 30 मीटर में 150 लिंक होते हैं। ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आएंगे। फिर आते थे एरो पे, चेन का भी दूसरा टाइप था नॉन मैट्रिक चेन, जिसमें गंटर्स चेन और इंजीनियर चेन बोलते हैं उसको। इंडिया में यूज नहीं होता है लेकिन आपको जानना चाहिए। गंटर्स चेन का लेंथ होता है 66 फीट और इंजीनियर चेन का लेंथ होता है 100 फीट। उसके बाद हमने देखा कि एरो क्या होता है। एरो एक रिंग टाइप का बना होता है, ऊपर में पिन होता है, एक चेनिंग पिन बोलते हैं इसको, और ये 40 सेंटीमीटर का होता है। चेन हम चेनिंग जब करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं। फिर टेप है, टेप का हम यूज ज्यादातर करते हैं कम लेंथ के लिए। 20 मीटर और 30 मीटर का चेन जो है वो फिक्स है। इसके अलावा अगर हमें थोड़ा बहुत और करना है, मान लो मापना है, तो वहां पे हम टेप का यूज कर लेंगे। फिर रेंजिंग रॉड है। रेंजिंग रॉड में क्या करना है, रेंजिंग के टाइम पे हमको यूज करना है बाउंड्री वगैरह को शो करने के लिए। और ये बना होता है बम्बू का बना होता है, वुडन बम्बू, वुडन और भी कोई मटेरियल भी यूज होते हैं। मोस्टली ये जो होते हैं ये 2 से 3 मीटर के लेंथ के होते हैं। 20 सेंटीमीटर पे व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बैंड बना होता है, और रेड भी हो सकता है ब्लैक के बदले। नीचे मेटल शू होता है, ऊपर फ्लैग होता है। ऑफसेट रॉड होता है, ऑफसेट रॉड में एक हुक जैसा बना होता है, वहां पर फ्लैग नहीं होता है। दोनों में अंतर यही है। पैग्स जैसे पिन है वैसे पैग्स है, पैग्स वुडन होता है, पिन जो होता है स्टील का होता है। उसके बाद हमने देखा क्रॉस स्टाफ क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है, दोनों परपेंडिकुलर मापने के लिए है। ठीक है, तो बस इतना ही था आपका इंस्ट्रूमेंट चेन सर्वेइंग में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो हम फिर ऑपरेशन में आएंगे कि चेन सर्वेइंग में कौन कौन से ऑपरेशन यूज होते हैं। मतलब ऑपरेशन मतलब कहने का मतलब है कि प्रोसेस, कि कौन कौन कैसे कैसे हम चेन सर्वेइंग करते हैं। तो वहां पे हम देखेंगे कि पहले हम रेंजिंग करके देखेंगे, फिर चेनिंग करेंगे, फिर ऑफसेटिंग करेंगे। 3 ऑपरेशन होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या करना है। तो फिर यहीं पे मैं एंड करूंगा। एंड करने से पहले वीडियो में मैंने असाइनमेंट दिया था, होप करता हूं कि सभी ने असाइनमेंट किया होगा। इस वीडियो का असाइनमेंट आपका है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। और असाइनमेंट जो है गूगल शीट पे आप कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स पे भी आप मेंशन करके आंसर दे सकते हो। मान लो गूगल शीट खोलने में किसी को दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल शीट होता है, तो वहां पे आप जाके ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में इजिली आप बता सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। आपके लिए इजी है, अगर आप फॉलो करते रहोगे, पूरा वीडियो देखोगे और उसका असाइनमेंट करते चलोगे तो आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता चला जाएगा। जितना मैं असाइनमेंट में देता हूँ, बाद में मान लो कभी रिव्यू करना है तो तुरंत 2 मिनट में आप रिव्यू कर लेते हो। तो असाइनमेंट में आज का आपका क्वेश्चन है, पहला तो है व्हाट इज चेन सर्वेइंग, और दूसरा है नेम सम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वेइंग एंड एक्सप्लेन 2 मेन इंस्ट्रूमेंट्स। कोई 2 इंस्ट्रूमेंट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखिए और 2 इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यही था आपका आज का असाइनमेंट। 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन चेन सर्वेइंग क्या है, दूसरा क्वेश्चन नेम बताइए इंस्ट्रूमेंट का, तीसरा क्वेश्चन में मतलब 2 पार्ट आ गया कि 2 कोई इंस्ट्रूमेंट का एक्सप्लेन कर दीजिए, चाहे वो चेन हो या फिर टेप हो या फिर क्रॉस स्टाफ हो, कोई भी आपकी मर्जी। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूं, और आप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके लिए यूजफुल है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो यहीं पे मैं एंड करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।